ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। कौमी असेंबली के रुकन डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। कराची से रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल की तस्दीक हुई है। तबीयत की खराबी के बायस उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुछ रोज से वो बीमार थे। हम आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। कौमी असेंबली का इजलास भी आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असेंबली ने इजलास को मुलतवी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे। नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद हैं। नमूद मुस्लिम, आमिर लियाकत हुसैन के वफात के हवाले से, उनके इंतकाल के हवाले से खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि आज कौमी असम्बली का जो इजलास है जो कि सुबह 11 बजे होना था, वो आज जारी था और उसमें एक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बात हो रही थी जिसमें सरदार रियाज महमूद खान मजारी ने पॉइंट उठाया था। तो अब्दुल खान ढांडला इस वक्त बात कर रहे थे तो स्पीकर कौमी असम्बली राजा अशरफ ने अचानक उनको रोका, रोक के उनको ये कहा कि एक अफसोसनाक खबर से ऐवान को आगाह करना चाहते हैं कि जो रुकने कौमी असम्बली हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन वो इंतकाल कर गए हैं और उनकी इंतकाल की खबर आई है, जिसकी वजह से हम इजलास फौरी तौर पर मुलतवी कर रहे हैं। जो क्योंकि इजलास जो है उसकी कार्रवाई जारी थी और तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बात हो रही थी, जबकि जो वजीर हैं वजीर मुमलिकत अब्दुल रहमान कांजू जो कि दाखिला मुल्क वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने उस पर जवाब देना था। लेकिन उसके साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास को मुलतवी करने का वहाँ पर ऐलान किया और कहा कि अब इजलास की कार्रवाई कल शाम 5 बजे तक होगी। जी नमूद मुस्लिम, आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की वजह से कौमी असेंबली का इजलास मुलतवी हो गया है। आमिर लियाकत हुसैन कौमी असेंबली के रुकन रहे, मारूफ टीवी होस्ट भी रहे, ऑनलाइन के हवाले से प्रोग्राम भी करते रहे। थोड़ा सा इनकी जिंदगी के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए जो आपके पास इंफॉर्मेशन है। जो है एक अरसे से जो जो पार्लियामेंट है उसका हिस्सा रहे हैं, इससे पहले भी वो रुकने कौमी असेंबली यहाँ मुंतखब हुए थे और उस जमाने में ये वजीर ममलिकत भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ ये उस वक्त ये मुतहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से मुंतखब होकर आए थे, लेकिन इस मरतबा इनका जो इंतखाब में हिस्सा लिया था उन्होंने तहरीक इंसाफ के ये रुकन थे और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके साथ मिलकर यहाँ पर मौजूद थे। और इनका ये है कि ये अभी भी जो बड़े एक्टिव एक रुकन के तौर पर जाने जाते थे, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन का जो एक अपना कैरियर जो है जो कि उनका टीवी का कैरियर है एज ए होस्ट और एक मेज़बान की हैसियत से वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो कौमी असम्बली में इनका किरदार हमेशा काफ़ी एक्टिव रहा। ये अपने इलाके के जो इशूज़ थे खासतौर पर वो जो कि कराची के मसाइल थे जिसमें खासतौर पर बिजली का जो मसला अमूमन रहा है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा रहे और जो भी कौमी मसाइल रहे हैं उनमें पेश रहे हैं। कानून साजी के अमल में भी इनका जमीर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। जमीर अब्बास से तफसीलात जानेंगे। नमूद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जमीर अब्बास, कराची से ये इत्तला मिली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के हवाले से कौमी असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह ही डॉक्टर आमिर लियाकत के घर से एक इमरजेंसी कॉल गई थी कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और फिर रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे जब पहुँची तो उनको फिर क्रिटिकल कंडीशन में जो है हॉस्पिटल पहुँचाया उन्होंने यहाँ पे कराची के एक निजी हॉस्पिटल जो कि स्टेडियम के करीब वाक़ है यहाँ पे जब पहुँचे तो उसके बाद अब तक उनकी जो यही खबर सामने आई कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अब जो वजूहत है उसकी वजूहत अभी तक सामने नहीं आई। डॉक्टर आमिर लियाकत की ये ज़रूर बात सामने आई कि वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे जब हॉस्पिटल लाए गए थे तो उनके चांसेस काफी रेयर थे, लेकिन वजह क्या बनी इनकी मौत की ये अभी अर्सटे नहीं हो पाया। वो कुछ देर के बाद शायद जो हॉस्पिटल के इंतजामिया है वो परमिशन जो उनके वर्षा है उनसे परमिशन लेने के बाद शायद पोस्टमार्टम का कुछ होना सिलसिला हो तो फिर शायद उसके बाद ये डिस्क्लोज करेंगे कि आखिर इनकी मौत की क्या वजह सामने आई है। डॉक्टर आमिर लियाकत एक बड़ी पर्सनैलिटी रहे हैं, खास करके मुल्की सियासत में भी और इसके अलावा मीडिया पर बड़ी पर्सनैलिटी रहे हैं। उन्होंने अपना यहाँ पे सियासी करियर MQM से स्टार्ट किया था और काफ़ी एक्टिव वो रुकन रहे थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, और इसके बाद फिर उन्होंने TV में भी ज्वाइन किया था निजी TV चैनल में आलम ऑनलाइन के नाम से जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था उनसे उनको काफ़ी शोहरत हासिल हुई थी और उसके बाद फिर उनको एक मजहबी स्कॉलर के तौर पर भी जाना जाता था, तो उन्होंने काफ़ी एक बड़ा नाम क्रिएट किया था। इसकी खबर मौत की काफ़ी उनके जो प्रस्ताव थे उनको कमजदा कर गई है और अब जो बाकी जो डिटेल्स हैं उनकी कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है ये अभी तक सामने नहीं आई और हो सकता है कुछ टाइम में हॉस्पिटल्स वाले ये डिस्क्लोज कर दें। जी जमीर अब्बास, आपकी उनके फैमिली से उनके घर से किसी से बात हुई हो, वजूहात पता चल सकी हो कि
आमिर लियाकत हुसैन गुज़्तर काफ़ी रोज़ से मंजर में नहीं थे, मीडिया से भी बात नहीं कर रहे थे और उनके हवाले से कुछ खबरें भी नहीं आती, जबकि हम देख रहे हैं कि दो हफ्ते पहले तक वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उनके हवाले से बातचीत भी होती थी और उन्होंने पाकिस्तान से जाने के हवाले से भी एक बयान दिया था। उसके बाद इस तरह से अचानक ये खबर आना, क्या कुछ बात हुई आपकी उनके घर वालों से, उनके करीबी दोस्तों से? जी, उनके जो करीबी दोस्त हैं उनका यही कहना था कि खासकर क्योंकि जो पर्सनल लाइफ में जो ट्रबल्स स्टार्ट हुई थी पिछले कुछ चंद हफ्तों से और फिर वो सोशल मीडिया पे भी गर्दिज करने लगी, फिर कुछ वीडियोस मंजर यहाँ पर आई, तो वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता रहे इस मामले में और काफ़ी डिस्टर्ब भी रहे और उसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी अप एंड डाउन रही। लेकिन जो मौत की वजह है उनकी असल क्या हो सकी है ये अभी तक कोई भी हमें वाजे तौर पर नहीं बता पाया और ये जो उनकी मौत की वजह ये सिर्फ हॉस्पिटल वाले ही जो इंतजामिया है वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर उनके दोस्त साहब ने कंफर्म किया कि वो इस अपनी जाती जिंदगी की वजह से जो चीजें सोशल मीडिया पे आईं और फिर जो खबरों की जीनत बनी उससे बहुत ज्यादा गमगीन भी थे और जहनी तनाव का भी शिकार थे। बहुत शुक्रिया जमीर अब्बास, अब हमें आगाह कर रहे थे। कराची से ये खबर है, रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल के बाद कौमी असेंबली का इजलास भी कौमी असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। अली असगर अरबाब ने हमें ज्वाइन किया है कराची से। अली असगर अरबाब, आप बताइएगा, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के हवाले से खबर कंफर्म हुई है, कुछ वजूहात की तस्दीक हो सकी है? देखिए, आमिर लियाकत जो है वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब थे और वो रुकन भी थे, उनका जो है वो कराची में इंतकाल हो गया है और उनकी डेड बॉडीज़ को जो है आ खान हॉस्पिटल में लाया गया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने उनके इंतकाल पर जो है वो अफसोस का इजहार किया गया है और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो भी मुलतवी कर गया है। तो वो एक सियासतदान थे, इसके अलावा उसकी एक पहचान एज ए टेलीविजन होस्ट थी और ख़ास तौर पर वो इस्लामी जो प्रोग्राम्स थे उसमें बड़ी शानदार अंदाज से उन्होंने होस्टिंग की और एक बहुत बड़ा नाम कमाया। रेडियो से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और चलते चलते वो टेलीविजन की स्क्रीन पर आए और आते आते वो छाते गए। तो वो एक ऐसे एंकर थे कि वो बातों से बहुत अच्छे अंदाज से अपना बयान कर सकते थे और इस्लामी तालीमात के हवाले से उनको बेहतर नॉलेज थी। ताहम वो बाज़ुकात हमें आगाह कर रहे थे। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हो गया है, इस हवाले से अली असगर अरबाब हमें कराची से आगाह कर रहे थे। नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद हैं। नमूद मुस्लिम, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मजहबी स्कॉलर रहे, सियासतदान रहे, रुकन कौमी असम्बली रहे, वजीर के ओहदे पर भी रहे, अपनी जिम्मेदारियां भी सर अंजाम दी, आप पार्लियामेंट को कवर करते हैं, बतौर पार्लियामेंटेरियन कैसे रहे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन? देखिए, पहले भी हम यही बात कर रहे थे, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं उनका सबसे जो एक अहम चीज़ अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव किरदार उनका रहा है, खासतौर पर जब वो एमकेएम के रुकन थे तो उस वक्त एमकेएम जो थी वो हुकूमत का हिस्सा थी और हुकूमत का हिस्सा होने के साथ साथ ये वजीर ममलिकत का इनको उदा नवाजा गया, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया, खासतौर पर जो इंटर रिलीजियस हारमोनी का जो काम था जो कि अब मिनिस्ट्री में पूरा एक विंग काम कर रहा है उसमें इन्होंने काफ़ी काम किया और उस वक्त जो बैनुल मजाहिब और बैनुल अकायद जो पाकिस्तान में बसने वाले जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनके दरमियान जो एक सिलसिला कार था उस हवाले से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज करवाई थी और हमें याद है कि इस्लामाबाद समेत बल्कि पूरे मुल्क में उलमाए कराम को और बहुत सारे लोगों को जो कि मुख्तलिफ अकायद के या मुख्तलिफ मजाहिब के लोग थे उनको इकट्ठा किया था और ये कहा था कि हमें यहाँ पर किस तरीके से इसको लेकर चलना है। मजहबी अमूर के चूँकि वो वजीर ममलिकत थे और इस हवाले से खासतौर पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया और इसी हवाले से कानून साजी में भी उनका किरदार काफ़ी रहा, वो मुख्तलिफ कायमा कमेटियों के जो रुकन थे लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो असम्बली नहीं आ पा रहे थे जिसकी वजह उनका कोई एक निजी जो उनका मामला था जो इनके एक निजी एक जो मसाइल चले थे उसकी वजह से वो असम्बली ना आ सके, लेकिन जो खासतौर पर जब अदम एतमाद की तहरीक थी उस दौरान भी आमिर लियाकत हुसैन यहाँ पर आते थे और हमारी आखिरी मुलाकात भी तभी उनसे इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में यहाँ पर हुई। आमिर लियाकत हुसैन का दूसरा जो अहम पहलू है एक एज ए लेजिस्लेटर एज ए सियासतदान के तौर के अलावा वो पार्लियामेंट में हमेशा कभी बहुत अच्छी तकरीर करते हो और रिकॉर्ड पे ये भी एक चीज़ मौजूद है जो कि असेंबली रिकॉर्ड से सियासतदान के तौर के अलावा वो पार्लियामेंट में हमेशा
कभी बहुत अच्छी तकरीर करते हैं और रिकॉर्ड पे ये भी चीज मौजूद है जो कि असेंबली रिकॉर्ड से आराम से इसको तस्दीक की जा सकती है कि उन्होंने असेंबली में नात भी पढ़कर सुनाई है और यहाँ पे नात खानी भी फ्लोर पे की है। गो के जो नात है और जो तलावत है वो तो ऐवान का हिस्सा होता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान यहाँ पर नात पढ़ी है और शेर व सुखन के हवाले से भी उनका काफी अच्छा, जिसे कहेंगे कि एक उनका अपना एक लहजा था और वो अच्छे शेर ना सिर्फ याद करते थे बल्कि ऐवान में भी तकरीर के दौरान और जब भी कोई आम बहस होती थी या किसी किस्म का कोई आम कोई इशू होता था उसके अंदर वो बड़ा उसमें अहम किरदार अदा करने के साथ साथ उसको शेर व शायरी के साथ भी और जो अच्छे जो जिसको हम कोट कहेंगे या अच्छी बातें कहेंगे उसको उसमें शामिल करते थे। जी बहुत शुक्रिया अनमोद मुस्लिम, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन आपको आगाह करते चले, रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। कराची से ये खबर है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन काफी अरसे से जहनी तनाव का शिकार थे, निजी मसाइल में घिरे हुए थे और आज ये खबर सामने आई है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल के बायस कौमी असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से। ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।